Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. नीट यूजी परीक्षा पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। सीजीआई की बेंच ने फैसला सुनाते हुए साफ कहा कि दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नीट यूजी के पेपर को फिर से ना कराने के फैसले के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर हमला किया। उन्होंने कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को देश में अराजकता फैलाने के लिए माफी मांगने की बात कही। नीट की मामला जब सामने आई है, विरोधी दल की भूमिका आज की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी स्पष्ट हुई, विशेष करके देश की नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष काल तक जो रवैया अपनाए थे, देश की एग्जामिनेशन सिस्टम को अमान्य करना, उसको सेम कहना, उसको रबीश कहना, यह उनकी बौद्धिक स्तर का प्रमाण करती है। आज देश की इसी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, ना केवल भारत में, विश्व में हमारी IITian, हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था से पढ़े हुए इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, IIM जैसे इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए विद्यार्थी दुनिया में अपना प्रतिष्ठा बनाए हैं। भारत की इसमें प्रतिष्ठा बनी है। ये सारे एग्जामिनेशन को निंदित करते हुए राहुल गांधी जी भारत को ही निंदा पहुंचाए हैं। देश की विद्यार्थियों को गुमराह करना, भ्रम पैदा करना, सामाजिक तनाव के लिए प्रोत्साहित करना, यह उनकी राजनीति का एक योजनाबद्ध हिस्सा रहा है। देश में लगातार चुनाव पराजय को स्वीकार नहीं करने के कारण एनार्की, सिविल अनरेस्ट उनकी रणनीति की हिस्सा बनी हुई है। मैं उनको अपील करता हूं, पिछले दिनों में देश के अंदर और समूचा विपक्ष की जो लोग, जिन लोगों ने इस गैर जिम्मेवाराना कामों में लगे थे, इन सबको मैं अपील करना चाहता हूं, कम से कम देश की नौजवानों को, देश की विद्यार्थियों को, उनकी अभिभावकों को माफी मांगना चाहिए। राजनीतिक विषय अलग हो सकती है, लेकिन देश की विद्या, मैं शुरू से कह रहा हूं, मैं राजनीतिक भाषा नहीं बोलना चाहता हूं। मैं कल लोकसभा में जिस प्रकार की कुतर्क दिया गया, भारत की शिक्षा प्रणाली को निंदित करने का अपचेष्टा किया गया, आज मैं अत्यंत दुख के साथ मर्यादा में रहते हुए अपील करना चाहता हूं कि आपने देश को ठेस पहुंचाया है, देश में अनर्की खड़ा करना चाहे, देश में एक सिविल अनरेस्ट हो, ये उसके आपने षड्यंत्र किया, देश आपको माफ नहीं करेगा।